Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाषण खत्म करने के बाद, प्रवचन देने के बाद जब वो नीचे उतर कर चलने लगे तो कुछ महिलाओं ने उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी धूल मिट्टी उठाने की कोशिश करी कि जो मिट्टी को अपने गांव ले जाएंगे या घर ले जाएंगे। उसके बाद एक के ऊपर एक महिला गिरती गई, उसके कारण ऐसा हुआ। भीड़ काफ़ी थी, गर्मी के मारे हाल खराब था। उनकी लोकली अपने सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, उनकी वर्दी पहन पहन के बाबा के लोग ही थे सारे, उन्हीं के थे, प्रशासन के नहीं थे। अच्छा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थे। पुलिस प्रशासन चाहता तो ये घटना ही नहीं होती। उनको गाड़ियों को रोक देना चाहिए था, भीड़ को वहीं रोक देना चाहिए था। 2 जुलाई की शाम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटेगी, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। आंखों के सामने ऐसा मंजर आएगा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाथरस जिले के अंदर सिकंदर राव, ये विधानसभा है जहाँ पर एक फुलरई गाँव पड़ता है, जहाँ पर एक सत्संग का आयोजन किया गया था। और बताया जा रहा है कि सत्संग में यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे और भगदड़ मचने से कईयों की मौत हो गई और कई घायल हो चुके हैं। आखिरकार वो मंजर क्या था, हुआ क्या कुछ था, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल वासने। कमल जी, क्या हुआ था, आप उस वक्त मौजूद थे शाम को यहाँ? हाँ, हम आए थे इधर। भीड़ क्या देखा मैडम? ऐसा था कि बाबा जी ने अपने भाषण खत्म करने के बाद, प्रवचन देने के बाद जब वो नीचे उतर कर चलने लगे तो कुछ महिलाओं ने उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी धूल मिट्टी उठाने की कोशिश करी कि जो मिट्टी को अपने गांव ले जाएंगे या घर ले जाएंगे। उसके बाद एक के ऊपर एक महिला गिरती गई, उसके कारण ऐसा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी, गमक से मारे आदमी उठ नहीं पाई, मिट्टी भी गीली हो रही थी। 3 दिन पहले पानी पड़ा था यहाँ पर, लेकिन भीड़ काफ़ी थी, गर्मी के मारे हाल खराब था। उनकी लोकली अपने सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, उनकी वर्दी पहन पहन के बाबा के लोग ही थे सारे, वो उन्हीं लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम थे यहाँ पर कितने? उन्हीं के थे, प्रशासन के नहीं थे। अच्छा। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थे। पुलिस प्रशासन चाहता तो ये घटना ही नहीं होती। उनको गाड़ियों को रोक देना चाहिए था, भीड़ को वहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन भीड़ को उन्होंने आने दिया। इस तरफ प्रशासन ने निगाह नहीं की। अब चांद किसी की मिली भगत से ये किया गया हो या कैसा किया? लगभग कितने लोग यहाँ पर थे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, देखिए काफी, आप लोगों को भी दिखा दूं, काफी ये बड़ा ग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने बीघे का ये ग्राउंड है पूरा? लगभग होगा 50 बीघे का। 50 बीघे, 200 बीघा में बाबा का, 200 तक का, मतलब दूर दूर तक जो नजरे जा रही है वहाँ तक ये पूरा जगह है, क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा रात के मारे, इसमें काफी बहुत भीड़ तक बना हुआ है। कितने लोग थे यहाँ? करीब था 1 लाख आदमी तो आया था, करीब एक लाख, क्योंकि 1 लाख की भीड़ काफी होती है। जब किसी गांव देहात में इकट्ठे हो जाते हैं, ये अफवाह उड़ा दिया कि 5 लाख आ गया, 6 लाख आ गया। लगातार आए जा रहे आ रहे थे, लेकिन दिन से पूरा ये कार्यक्रम चल रहा था। 15 दिन से कुछ महिलाएं, 15 दिन से तैयारी चल रही थी, कुछ महिलाएं यहाँ आ रही थी, ट्रेन के जरिए आती थी और ट्रेन के जरिए यहाँ आई, उन्होंने साफ सफाई किया और शाम बाई ट्रेन से चली जाती थी। अच्छा। ऐसी भी महिलाएं आ रही थी। आज क्या मतलब प्रॉपर कार्यक्रम का पहला दिन था? आज पहला ही दिन था और एक ही दिन के लिए हुआ था, एक घंटा में खेल बजे 1:30 के लिए लाखों की भीड़ को इकट्ठा करना और प्रवचन देना। बाबा को खुद ये सोचना था, यहाँ प्रशासन की कमी रही, अनुमति नहीं देनी चाहिए थी गर्मी के कारण। जब प्रशासन ने अनुमति भी दी, पुलिस प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं था, गाड़ियों को शहर से बाहर रोका जाता। क्या हुआ, इतनी भगदड़ मची, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा, एम्बुलेंस वगैरह कितने समय में पहुंचा? मैडम मंजर आने लगा, फिर तो पहले अफवाह आई कि 50 आदमी खत्म हुए हैं, फिर 85 की आई, फिर 100 की आई, फिर 125 की आई, फिर 200-250 की। अब चर्चा हो रही है कि 250-300 आदमी खत्म हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एटा जनपद नजदीक पड़ता है, वहाँ भी लाशें गई। कासगंज जनपद नजदीक पड़ता है, वहाँ भी लोग भाग गए। अलीगढ़ जनपद भी पड़ोस में ही है, वहाँ भी गया। हाथरस जिला मुख्यालय पे हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी गया। सब 40 किलोमीटर के एरिया में ये जिले हैं हमारे चारों। भोले बाबा कहाँ गए? भोले बाबा तो पता ही नहीं कहाँ गए, अब उनको प्रशासन जाने कहाँ है कहाँ नहीं। उनकी कमी है बाबा जी की, इनको ऐसा आयोजन नहीं करना था गर्मी। ये भोले बाबा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या इस तरह के आयोजन इस यहाँ पर पहले भी होते रहे क्या? 12 साल पहले आए थे, 12 साल पहले हुआ, गर्मियों में हुआ, 12 साल पहले, 12 साल पहले आए थे, तब 12 साल आए थे, जब भी भीड़ खूब थी। 12 साल के बाद मतलब अब जाकर ये ऐसा कार्यक्रम, तो ये जो लोग आते हैं क्या ये मतलब स्थानीय लोग होते हैं इनके या बाहर से? राजस्थान, MP, दिल्ली, कहाँ से लोग आए थे? यहाँ अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से, सबकी अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी बस वगैरह करके आती हैं ये बाहर से। पीने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, चाय का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, बाहर स्टेट के आते हैं। अपना सारा इंतजाम अपना था इनके पास।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से भोले बाबा यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और 12 साल पहले इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था और आज ये यहाँ पर कार्यक्रम का फुलरई में पहला दिन था और पहले ही दिन करीब एक घंटे के कार्यक्रम के दौरान ही इतनी ज़्यादा यहाँ पर भगदड़ मच जाती है कि करीब बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब सुबह तक पता लगेगा कि और स्थिति क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है आपको हम बताना चाह रहे हैं। ये पूरा ये जो ग्राउंड है जहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये रात का वक्त है, रात के मतलब 2 जुलाई की कह सकते हैं करीब 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे पूरा कह सकते हैं ग्राउंड खाली हो चुका है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, बाकी जो घायल हैं और जिनकी मौतें हुई उन सभी को यहाँ से आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इलाज के लिए ले जाया गया। और ये पोस्टर भी हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए पोस्टर थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कीजिए क्योंकि अंधेरा है बिल्कुल, यहाँ पर एक गाँव है, ये भोले बाबा कहा जाता है और नीचे जो आयोजक वगैरह हैं देखिए उनके भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आयोजक दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे नाम हैं बट इससे मुख्य आयोजक कौन है उसका नाम यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो ये देखिए बताया जा रहा है कि ये सिकंदरा राव जो है ये तहसील है, ये विधानसभा क्षेत्र है हाथरस ज़िले के अंदर जहाँ पर ये फुलरई मुगलगढ़ी ये गांव पड़ता है नेशनल हाईवे पर। और यहाँ पर जो है 2 तारीख देख तारीख भी लिखी हुई है आज ये कार्यक्रम का आयोजन होना था जो हुआ और किस तरह से उसमें भगदड़ मची आपने देखा। अब यहाँ पर आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर घायलों को और जो तमाम परिजन हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, घायलों को पहुँचाया गया है, तो वहाँ पर देखना होगा कि सुबह तक क्या कुछ स्थिति बनती है। खबरें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएँ होती हैं मरीजों के लिए वो फिलहाल नहीं है, तो हॉस्पिटल जाकर भी हम देखेंगे कहाँ वहाँ पर जो है क्या कुछ व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं। यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।